हेलो एवरीवन, दिस शानीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग पढ़ रहे थे मुगलकालीन चित्रकला पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अकबरकालीन जो चित्रकार, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे अकबर के समय में जो ग्रंथ चित्रित हुए उनको हम लोग देखेंगे। काफ़ी ग्रंथों का चित्रण अकबर के टाइम में हुआ है, जैसे कि आ भारतीय कथाओं के आधारित जो ग्रंथ हैं उनका चित्रण हुआ है। इसके अलावा भारतीय कथाओं के जो चित्रण है, ठीक है, भारतीय कथाओं के जो ग्रंथ हैं उनका भी चित्रण अकबर के टाइम में हुआ है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं, ठीक है, जिनमें थोड़े बहुत पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो उनका भी चित्रण हुआ है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जैसे कि ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल टाइप ग्रंथ होते हैं तो उनका भी चित्रण अकबर के टाइम में हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अकबर के टाइम में बहुत से ग्रंथों का चित्रण हुआ है, तो उन सभी ग्रंथों से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अब काफ़ी ग्रंथ यहाँ पर हैं, तो इस वजह से यहाँ पर एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो जितने ग्रंथ आज कंप्लीट हो जाएंगे तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जितने ग्रंथ रह जाएंगे उनको कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी चार क्लास यहाँ पर मुगलकालीन चित्रकला से चार क्लासेज आपकी यहाँ पर हो चुकी है। ये आपकी जो है फिफ्थ क्लास है, ठीक है। तो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। या आप अगर नेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेट JRF का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है नेट में आपकी चीज़ें बहुत ही डिटेल से पूछी जाती हैं और सारे ही टॉपिक को हम लोग डिटेल से पढ़ें, तो नेट JRF के लिए कोई अलग से क्लास नहीं है, आपको यही क्लास है, ठीक है। नेट JRF है, UpTgt PGT है, KVS है, NVS है, ठीक है, LT जो आपकी है, LT ग्रेड की जो वैकेंसीज निकलने वाली उनके लिए भी है, और आपके उत्तराखंड LT ग्रेड उत्तराखंड, ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेट की हो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो आ भारतीय जो ग्रंथ है जो अकबर के टाइम में हुआ है, ठीक है, जिनका चित्रण अकबर के टाइम में है उनको हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपको हमजानामा को ही देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तूतीनामा को देखेंगे, फिर देखेंगे दीवाने हाफिज को देखेंगे। जो आपकी हमजानामा है ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसके एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पर रट के जाना है, ठीक है। ये जो है हमजानामा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मुगल शैली में चित्रण के लिए सबसे पहली चुनी गई पुस्तक कौन सी है या पांडुलिपि कौन सी है, तो आपको हमजानामा याद रखना है, ठीक है। तो मुगल काल में, ठीक है, चित्रण के लिए सबसे पहली चुनी गई पांडुलिपि कौन सी है, तो आपको कौन सी याद रखना है, हमजानामा याद रखना है, हमजानामा को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही बन गया, तो हमजानामा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमजानामा को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद तूतीनामा पढ़ेंगे, फिर हम लोग दीवाने हाफिज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हमजानामा, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है हमजानामा जो है अमीर हमजा का फारसी अनुवाद है, अमीर हमजा का ये क्या है, फारसी अनुवाद है, ठीक है। इस ग्रंथ में क्या है, हमीर की 360 कहानियों का जिक्र मिलता है, कितनी कहानियों का, 360 कहानियों को यहाँ पर जिक्र मिलता है, और जो हमीर थे कहा जाता है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समकालीन थे, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, पूछा जाए किसके समकालीन थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समकालीन थे, ठीक है, समझ में आया। कितनी कहानियों का जिक्र मिलता है यहाँ पर, 360 कहानी को जिक्र मिलता है, किसकी कहानियाँ यहाँ पर, हमीर से रिलेटेड आपको कहानियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। ये किसका फारसी अनुवाद है, तो मैंने आपको बता दिया अमीर हमजा का ये फारसी अनुवाद है। आगे हम देखते हैं इसको जो है हमजानामा का जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया था, तो किसने किया था, काजवीन ने किया था, काजवीन मतलब मुंशी, ठीक है। तो काजवीन का मतलब क्या होता है, मुंशी होता है, मुगल काल में मुंशी को ही काजवीन कहा जाता था, ठीक है। तो ख्वाजा अताउल्ला यहाँ पे याद रखेंगे, और काजवीन दोनों ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर कोई भी मिल जाए तो आप जो है टिक कर सकते हैं, काजवीन ऑप्शन में मिले तो काजवीन लगा के आइएगा, अगर ख्वाजा अताउल्ला मिले तो ख्वाजा अताउल्ला लगा के आइएगा। तो हमजानामा का फारसी अनुवाद किसने किया, तो ख्वाजा अताउल्ला ने किया, ठीक है। जो हमजानामा का जो चित्रण हुआ है मुगल काल में, तो यहाँ पर लगभग कितने 50 चित्रकारों ने चित्रण किया है, ठीक है, लगभग यहाँ पर 50 चित्रकारों ने यहाँ पर काम किया है। टाइम की बात की कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, तो यहाँ पर आपको 15 यानी कि 15 साल यहाँ पर इसको कंप्लीट करने में लग गए, ठीक है, इसका चित्रण करने में 15 साल आपको यहाँ पर लग गए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, कितने चित्रकारों ने काम किया, तो 15 चित्रकारों ने काम किया, कितने वर्षों में पूरा हुआ, तो 15 वर्षों में पूरा हुआ, कौन से, हमजानामा जो आपकी पांडुलिपि है, हमजानामा जो है इसमें 50 लगभग 50 चित्रकारों ने काम किया, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया होता है, ठीक है, तो अप्रॉक्स आपको 50 याद रखना है, ठीक है। टाइम पूछे तो आपको 15 वर्ष याद रखना है, क्लियर हुआ।
इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो चित्र हैं वो कैसे बने, किस पे बने हैं, ठीक है, तो कागज का अस्तर लगाकर, अस्तर चिपकाकर सूती कपड़े पर बने हैं, ठीक है, तो सूती कपड़े पे बने हैं, कागज का अस्तर लगाकर के सूती कपड़े पे बने हैं। इन चित्रों की अगर माप की बात करें तो माप आपको अच्छे से याद रखना। देखिए ऐसा नहीं कि प्रत्येक चित्र आपको बिल्कुल एक्यूरेट इसी माप की मिले, लेकिन ज़्यादातर जो चित्र आपको जिस मतलब जाहिर सी बात है कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें कि ज़्यादा अगर उसमें मतलब एक ही क्वालिटी आपको ज़्यादातर चित्रों में मिल रही है तो वही उसकी क्या बन जाती है, मेन क्वालिटी बन जाती है। तो इसी तरीके से ज़्यादातर इसकी माप क्या आपको याद रखना है, 67.5 × 50 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो 67.5 × 50 सेंटीमीटर क्या है हमजानामा के चित्रों की यहाँ पर माप हो जाती है, जो क्या है कागज का अस्तर चिपका करके सूती कपड़े पर इस पर चित्रण किया गया है। क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं क्या क्या चीजें याद करने वाली है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको चित्र मिलते हैं वो कैसे अहस्ताक्षर चित्र है, ठीक है, हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर, ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र मिलते हैं वो अहस्ताक्षर चित्र आपको मिल जाते हैं। इसमें जो प्रभाव है कैसा प्रभाव मिलता है, फारसी प्रभाव मिलता है, ठीक है, इन चित्रों में कैसा प्रभाव मिलता है, फारसी प्रभाव मिलता है, किसमें, हमजानामा में। ये जो हमजानामा जो ग्रंथ है इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 12 खंडों में डिवाइड है, कितने खंडों में डिवाइड है, 12 खंडों में डिवाइड है, ठीक है, सबसे पहले याद रखना। और प्रत्येक एक खंड में, यानी कि एक खंड की बात करें, ठीक है, यहाँ पर सुनिए मेरी बात कि ये कितने खंडों में डिवाइड है, तो 12 खंडों में डिवाइड है और एक खंड में, ठीक है, प्रत्येक खंड में क्या है, एक खंड में कितने जुज है, ठीक है, तो 100 यहाँ पर जुज मिल जाते हैं। अब जुज का मतलब क्या होता है, तो जुज का मतलब होता है पेज होता है, ठीक है, तो समझ में बात आई कि ये जो पांडुलिपि है ये कितने खंडों में डिवाइड है, ये 12 खंडों में डिवाइड है, ठीक है, प्रत्येक खंड में इसमें क्या है, 100 पेजेस आपको मिल जाते हैं और एक पेज में आपको दो चित्र मिल जाते हैं, एक पेज में चित्रों की संख्या कितनी है, दो हो जाती है, ठीक है, तो खंड आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना 12 खंड, खंड आपसे पूछा जाए 12 खंड हो जाएगा, एक खंड में जूज कितने हैं, पेजेस कितने हैं, तो आपके 100 पेजेस हो जाएंगे और प्रत्येक पेज में चित्रों की संख्या कितनी है, तो दो चित्र यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब आप जो पॉइंट वाइज चीज़ें याद रखिए तो आपको सारी चीज़ें याद रखेंगे। खंड पूछे तो 12 खंड, ठीक है, प्रत्येक खंड में जूज कितने हैं, पेजेस कितने, पन्ने कितने, वर्क कितने, तो आपको 100 पेजेस याद रखने हैं, ठीक है, प्रत्येक पेज में आपको चित्र कितने मिल जाते हैं, तो दो चित्र आपको मिल जाते हैं, कितने चित्र मिल जाते हैं, दो चित्र मिल जाते हैं, तो टोटल आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके कितने निकल के आएंगे, 2400 चित्र यहाँ पर बनवाए गए थे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपको 24 चित्र यहाँ पर नहीं मिलेंगे, अभी आगे हम लोग देखेंगे, 24 चित्र यहाँ पर कुल यहाँ पर थे, समझ में बात चल रही हमजानामा की। आगे हम देखते हैं जो ये 12 खंडों में डिवाइड है, जो आपके हमजानामा जो है वो क्या है, आपके मैंने बताया 12 खंडों में डिवाइड है, ठीक है, 12 खंडों में डिवाइड है। इसमें क्या है, जो शुरू के जो चार खंड है, शुरू के चार खंड है वो क्या है, हुमायूं के समय के हैं, ठीक है, शुरू के जो चार खंड है वो हुमायूं के टाइम के हैं और जो आखिरी के जो आठ खंड है, यानी कि 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है, आखिरी के जो आठ खंड है वो किसके टाइम के हैं, अकबर के टाइम के हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। शुरू के जो चार खंड है उनका चित्रण किसके समय में हुआ, हुमायूं के समय में हुआ और जो आखिर के आठ खंड है उनका चित्रण किसके समय में हुआ, अकबर के समय में हुआ। और शुरू के जो है जो आपके चार खंड है उसमें चित्रों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 1000 मिल जाएगी, ठीक है, शुरू के चार खंडों में जो हुमायूं के टाइम में जिसका चित्रण हुआ उसमें चित्रों की संख्या कितनी है, 1000 मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात 2400 में से आप 1000 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 14, तो अकबर के टाइम में चित्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, हमजानामा जो पांडुलिपि है वो 12 खंडों में डिवाइड है, जो शुरू के जो चार खंड है वो हुमायूं के टाइम के हैं जिसमें आपको क्या है 1000 चित्र मिल जाते हैं और जो आखिर के आठ खंड है वो क्या अकबर के टाइम के हैं, ठीक है, और उसमें चित्रों की संख्या कितनी थी, 1400 चित्रों की संख्या थी। टोटल मिला के चित्रों की संख्या पूछी जाए तो आपको 2400 याद रखना है, ठीक। आगे हम देखेंगे इसमें 2400 चित्रों में आपको प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 150 चित्र ही मिल जाते हैं, ठीक है, तो 150 चित्र ही मिल जाते हैं जिसे क्या है ग्लूक ने संग्रहित किया, ठीक है, किसने संग्रहित किया क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ग्लूक ने संग्रहित किया और 1925 में इसको कहाँ से छपवाए, वियना से छपवाए, कहाँ से छपवाए, वियना से छपवाए, किसने, ग्लूक ने छपवाया, ठीक है। जैसा कि आपको पता 2400 चित्रों में आपको सिर्फ 150 चित्र ही मिल जाते हैं, वो भी किसने संग्रहित किया, तो ग्लूक ने ही संग्रहित किया, यानी कि ग्लूक ने इसको सुरक्षित रखा, वरना आपको टाइम में भी इतने भी चित्र यहां पर नहीं मिलते, ठीक है। अब यहां पर पूछा जाए कहां से छपवाया, तो आपको 1925 में छपवाया, कहां से छपवाया, तो वियना से छपवाया, तो ये आपको यहां पर पॉइंट याद रखने हैं।
ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं वियना में आपको कितने चित्र मिल जाते हैं, तो 61 चित्र मिल जाते हैं वियना में। यहाँ पर कितने चित्र मिल जाते हैं, 61 चित्र यहाँ पर मिल जाते हैं वियना में, ठीक है। फिर है साउथ कैंगस्टन म्यूजियम लंदन में कितने चित्र मिल जाते हैं, तो 25 चित्र मिल जाते हैं, ठीक है। अमेरिका में अलग अलग म्यूजियम में कितने चित्र मिल जाते हैं, तो 15 चित्र मिल जाते हैं, यानी कि अलग अलग अमेरिका में भी अलग अलग म्यूजियम में आपको यहाँ पर 15 चित्र मिल जाते हैं। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर आपको कितने चित्र मिल जाते हैं, 6 चित्र मिल जाते हैं। समझ में बात आई, 61 चित्र आपके वियना में हो जाएंगे, 25 चित्र आपके लंदन यानी कि साउथ कैंगस्टन म्यूजियम लंदन में मिल जाएंगे, और 15 चित्र आपके अमेरिका में अलग अलग म्यूजियम में मिल जाते हैं, ठीक है। भारत की बात करें, तो भारत में आपको सिर्फ 6 चित्र मिलते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना, जो भारत कला भवन जो बनारस वाला है, तो भारत कला भवन, भारत भवन कहाँ पर है, भारत भवन कहाँ पर है, तो भारत भवन आपको याद रखना है तो भोपाल में, आपको अच्छे से पता है भारत भवन कहाँ पर है, तो भोपाल में। और भारत कला भवन अगर पूछा जाए, भारत कला भवन पूछा जाए, ठीक है, कला भवन पूछा जाए, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाले यानी कि भारत कला भवन में ही आपको 2 चित्र यहाँ पर संग्रहित है, किसके, हमजानामा के, क्लियर। 2 चित्र इसके अलावा, जो 2 चित्र है वो कहाँ पर, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम जो मुंबई है, जो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम है वहाँ पर संग्रहित है, किसके, हमजानामा के 2 चित्र। 2 चित्र आपके हो जाएंगे बनारस में, और 2 चित्र हो जाएंगे प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में हो जाएंगे। 1 चित्र आपका कहाँ हो जाएगा, सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में जो आपका सलार जंग म्यूजियम है वहाँ पर आपको 1 चित्र मिल जाता है हमजानामा का। और इसके अलावा जो 1 चित्र है वो आपको कहाँ मिलेगा, वडोदरा म्यूजियम में मिल जाएगा, ठीक है। तो वडोदरा संग्रहालय में मिल जाएगा, ठीक है, वडोदरा, वडोदरा बातें की है, ठीक है। तो भारत कला भवन 2 चित्र हो जाएंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई 2 चित्र हो जाएंगे, सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद 1 चित्र हो जाएगा, इसके अलावा वडोदरा म्यूजियम आपका 1 चित्र हो जाएगा। तो इस तरीके से भारत में आपको 6 चित्र यहां पर मिल जाते हैं अलग अलग म्यूजियम में। अब हम देखेंगे हमजानामा जो ग्रंथ है, इनके जो चित्र जो मिले हैं, ठीक है, इनके जो चित्र हैं उनकी विशेषता क्या क्या है, यानी किस तरीके के चित्रों का यहाँ पर चित्रण हुआ है। हमजानामा में जो चित्र बने हैं वो क्या है, आपके अलंकारिक चित्र नहीं बल्कि कैसे चित्र है, घटना चित्र है। ये दृष्टांत चित्र के रूप में बने हैं, और जो हिरात शैली से बिल्कुल क्या है, अलग है, हिरात शैली से बिल्कुल अलग है। हिरात शैली के जनक मैंने आपको किसको बताया था, विहजात को, हिरात शैली का जनक के रूप में किसे आपको याद रखना है, विहजात को याद रखना है। विहजात किस शैली का चित्रकार है, तो आपको हो जाएगा ईरानी शैली का चित्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने आपको ईरानी शैली बताई थी, तो मैंने उसमें बताया था हिरात शैली का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, विहजात को जाना जाता है। तो हिरात शैली का जनक कौन है, तो विहजात। विहजात किससे रिलेटेड है, ईरानी शैली। ईरानी शैली ही आगे चल के क्या है, मुगल शैली में तब्दील होती है, ठीक है। जब मैंने ईरानी शैली बताई थी, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसमें क्या है, जो व्यक्ति चित्र, इसके अलावा देखिए कंबतधारी व्यक्ति को छोड़ करके जिसका जो क्या है अलग, जो और व्यक्ति हैं तो उनका सारा पहनावा, कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि पहनावा कैसा है, भारतीय पहनावा है, ठीक है। कैसा पहनावा, भारतीय पहनावा है, ठीक है। यहाँ पर जो स्त्रियों की वेशभूषा की बात करें, तो ये क्या है, कश्मीरी टाइप की, जैसे कश्मीरी टाइप की कुर्तियाँ होती हैं, कश्मीरी टाइप की जो कुर्तियाँ होती, कश्मीरी टाइप की जो कुर्तियाँ होती, तो उस तरीके से स्त्रियों ने यहाँ पर वेयर किया हुआ है, ठीक है। तो लंबी कुर्ती है और दामन वाली कुर्ती है, साथ में दुपट्टा भी है, और क्या है, पैजामा क्या है, यानी कि टाइट पैजामा यहाँ पर बनाया गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पहनावा कैसा है, तो भारतीय पहनावा आपको याद रखना है। पहनावा पूछा जाए तो आपको कैसे वेशभूषा कैसी याद रखनी है, तो भारतीय यहाँ पर पहनावा है। स्त्रियों की जो वेशभूषा है वो कैसी है, कश्मीरी तरीके से, जैसे कुर्तियाँ वगैरह, सूट वगैरह चलते थे, तो उस तरीके से यहाँ पर कश्मीरी दामन वाली लंबी कुर्ती वगैरह जो है स्त्रियाँ पहने हुए हैं, ठीक है। तो कश्मीरी अंश भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके अलावा राजस्थानी भी अंश मिलता है, इसके अलावा ईरानी भी अंश मिलता है, यानी कि इसमें कश्मीरी की भी थोड़ी सी झलक मिल जाती है, राजस्थानी की भी झलक मिल जाती है, और साथ में आपकी ईरानी शैली की भी झलक मिल जाती है, किसमें, हमजानामा के चित्रों में, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे चित्रों की रेखाओं में भारतीय ढंग की गोलाई है, ईरानी की कठोरता यहाँ पर नहीं है। ईरानी की जो यानी कि ईरानी शैली में जो कठोरता जो पाई जाती है वो क्या है, इसमें आपको नहीं मिलती, किसमें, मुगल शैली में हमजानामा के चित्रों में, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि आपको बताया था ईरानी शैली में आपके पौने 2 चश्मा आंखें मिलती हैं, ठीक है, पौने 2 चश्म चेहरे मिलते हैं, चश्म का मीनिंग होता है आँख ही होता है, ठीक है, चश्म का मतलब क्या होता है, आँख होता है। तो ईरानी शैली में आपके क्या है, पौने 2 चश्म चेहरे मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, प्रायः 1 चश्म चेहरे मिलते हैं। मुगल शैली में जो हमजानामा के जो चित्र हैं वहाँ पर आपको 1 चश्म चेहरे की अधिकता मिलती है।
ज्यादातर चित्र वो जो क्या है आपके एक चश्मे है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक चित्र एक चश्मे का हो, ठीक है। ईरानी सम्मुख तीन चौथाई जो चेहरा जिस तरीके से दिखाया गया वो इस तरीके से यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। आंखें कैसी हैं, बड़ी बड़ी हैं, भारतीय परंपराओं के अनुसार मछली जैसी आंखें हैं, जैसे कि भारतीय परंपरा यानी कि भारतीय स्त्रियों की जैसी आंखें होती खूब लंबी सी आंखें होती, तो उस तरीके से आंखें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इस चित्रावली में प्रधान अंश कैसा, कश्मीर जैसे मैंने आपको बताया, जो मेन यहाँ पर इसकी झलक दिखाई पड़ती है कश्मीरी शैली की दिखाई पड़ती है, इसके अलावा राजस्थानी हो जाएगा और इसके अलावा ईरानी शैली हो जाएगा। मैंने अभी बताया जो स्त्रियाँ हैं वो कैसी वेशभूषा पहने हैं, तो कश्मीरी स्टाइल की वेशभूषा वगैरह पहने दिखाई गई हैं, ठीक है। प्रकृति के अंकन में भारतीय तथा फारसी दोनों का मिश्रण है, ठीक है। प्रकृति का जो अंकन हुआ उसमें आपको भारतीय भी मिल जाता है मिश्रण और प्लस फारसी, भारतीय और फारसी का दोनों यानी कि दोनों का मिश्रण आपको हमजानामा के चित्रों में मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर किन तरीके के वृक्षों का यूज़ हुआ, पेड़ों का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर पीपल का है, बट का है, कदली केला यानी कदली केला आपका एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कदली वृक्षों का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। किसमें, मुगल शैली के हमजानामा के जो चित्र हैं वहाँ पर आपको पीपल के वृक्ष हो जाएंगे, ठीक है, कदली वृक्ष हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर पक्षियों में बात करें तो यहाँ पर मोर हो जाएगा, पक्षियों की बात करें तो मोर, और अगर पशुओं की बात करें तो यहाँ पर हाथी, ठीक है, पशुओं की बात करें तो हाथी, दोनों आपको याद रखना है, समझ में बात है। पीपल और कदली आपको मेन याद रखना है, पीपल कदली और वट आपको मेन याद रखना है। इसके अलावा पक्षियों में बात करें तो आपको मोर याद रखना है, अगर पशुओं में बात करें तो हाथी आपको याद रखना है हमजानामा के चित्रों में, ठीक है। वेशभूषा कैसी थी, भारतीय थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन कौन सी झलक आपको मिल जाती है, तो कश्मीरी भी मिल जाएगी, राजस्थानी भी मिल जाएगी और ईरानी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, कश्मीरी, राजस्थानी और ईरानी। आगे हम बात करें स्त्रियों की आकृतियां कैसी, पूर्ण तरीके से क्या है, भारतीय हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कश्मीरी स्टाइल कुर्तियां पहने हुए, भारतीय मूल के राजस्थानी झलक पाने, जो झलक यानी कि कहने का मतलब पनघट दृश्य आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो कई दृश्य ऐसे हैं जो पनघट के दृश्य यहाँ पर बनाए गए हैं। इस ग्रंथ में पाल शैली से प्रभावित कश्मीरी वाली, ठीक है, कश्मीरी शैली वाली देवताओं की भी छवियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाए किन किन शैलियों की यहाँ पर छवि मिल जाती है, किन किन शैलियों की झलक मिल जाती है, तो आपको कश्मीरी शैली याद रखना है, राजस्थानी शैली याद रखना है, इसके अलावा ईरानी शैली भी आपको यहाँ पर याद रखना है। हमजानामा के चित्रों के संयोजन में अजंता की झलक देखने को मिलती है, ठीक है, हमजानामा के चित्रों में अजंता की झलक देखने को आपको मिल जाती है। चित्रों के जो हाशिए हैं, ठीक है, जो हाशिए मैंने आपको बताया था ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, तो चित्रों के जो हाशिए हैं वो कैसे हैं, ठीक है, तो चित्रों के जो हाशियों के नज़दीक के रंगों में क्या है, दीप्ति है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम देखते हैं मानवाकृतियों की ऊपरी भाग कंधे तक ही दिखाया गया है, ठीक है, ऊपरी भाग जो है वो कंधे तक ही दिखाया गया है। चित्र अनेक दृष्टि बिंदुओं वाले संयोजन से युक्त है, ठीक है, दर्शक को ऐसा लगता है कि वो किसी ऊंचाई जगह से खड़े होकर यानी किसी ऊंची जगह से खड़े होकर के चित्रों को देख रहे हैं, ठीक है, तो वह किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर चित्र को देख रहे हैं, दर्शक यानी देखने वालों को, जैसे कि आप और हम देखें तो ऐसा लगेगा किसी ऊंची जगह पर इन चित्रों को देखा जा रहा है, क्लियर। आगे हम देखते हैं हमजानामा के चित्र यहाँ पर कौन कौन से चित्र हैं, तो एक तो आपको याद रखना है मिहिर दुख्त बाण छोड़ती हुई चित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कहाँ पर संग्रहित है, तो श्रीमती मारिया हॉर्मन म्यूजियम स्विट्जरलैंड में संग्रहित है, ठीक है, कहाँ संग्रहित है, तो श्रीमती मारिया हॉर्मन म्यूजियम स्विट्जरलैंड में संग्रहित है। कौन सा चित्र, मिहिर दुख्त बाण छोड़ती हुई। अगला चित्र आप देखिए गांव के कुएं पर स्त्रियां, गांव के अभी मैंने आपको बताया था पनघट वाले चित्र आपको मिल जाते हैं ना, तो इसी तरीके से याद रखिए गांव के कुएं पर स्त्रियां, ये किसका चित्र है, तो ये हमजानामा का चित्र है। स्त्रियां सूत काटते हुए, स्त्रियां क्या कर रही, सूत काट रही हैं, ऐसा चित्र भी आपको हमजानामा के मिल जाता है। हीरे कटाई की मशीन भी आपको कहाँ से मिलती है, यानी हीरे कटाई की मशीन वाला जो चित्र है वो भी आपको कहाँ मिलेगा, तो वो भी आपको हमजानामा के चित्रों में ही मिलेगा, क्लियर। तो ये हम लोगों ने हमजानामा के बारे में इतनी सारी चीज़ें देख ली, अब हम लोग देखेंगे तुतीनामा, ठीक है, तो तुतीनामा जो ग्रंथ है इसका चित्रण, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले याद रखना तुतीनामा जो है तोते का प्रेमालाप इस ग्रंथ का विषय है, तो इसमें क्या है पूछा जाएगा, इसका विषय क्या है, तो तोते का प्रेमालाप इस ग्रंथ का विषय है। इसमें 103 चित्र मिलते हैं, कितने चित्र मिलते हैं, 103 चित्र मिलते हैं, किसमें, तुतीनामा में, ठीक है। 1330 ईस्वी के आसपास तुतीनामा की कथा ईरान में काफ़ी प्रचलित थी और उसी का मुगलिया रूप तुतीनामा है, ठीक है, उसी का मुगलिया रूप कहाँ है, क्या है, तुतीनामा है, ठीक है। तो ये जो कथा है क्या है, 1330 के आसपास कहाँ पर, ईरान में काफ़ी ये प्रचलित थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ईरानी शैली ही आगे चल के क्या है, तब्दील होकर के उसमें कुछ चेंजेस आकर के, बदलाव आकर के, वो क्या है, मुगल शैली में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है।
इसके चित्र हमजानामा वाले चित्रों के समान ही है, जैसे कि आपने हमजानामा के चित्र देखे उसी तरीके से तूतीनामा के चित्र भी उसी की तरह थोड़े थोड़े लगते हैं। वस्त्र का ऐसे चक्रादार जामा है, इसमें भी क्या है चक्रादार जामा, जैसे कि हमजानामा में देखा था प्रकृति चक्रादार जामा प्रकृति, एंड वास्तु का अंकन हमजानामा से काफी साम्य रखता, मतलब काफी सिमिलर है। यहाँ केवल पक्षियों के अंकन में पूर्ण उन्मुखता है और भारतीय परंपरा के नजदीक है। ये भी क्या है आपकी भारतीय परंपरा के नजदीक, यहाँ के चित्रों में भी थोड़ी सी भारतीय परंपरा के आधारित यहाँ पर चित्र बने हुए। कुछ चित्रों में बसावन दसवंत और इकबाल आदि कलाकारों के नाम अंकित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चित्रों में आपको बसावन है, दसवंत है और इकबाल है, तो इन सब कलाकारों के नाम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, किसमें तूतीनामा में। पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना, तूतीनामा का विषय क्या है, तो तोते का प्रेमालाप, ठीक है। कितने चित्र मिले हैं, तो 103 चित्र मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी क्या है भारतीयता की, यानी कि यहाँ पर भी भारतीय परंपराओं से आधारित में यहाँ पर चित्र मिले हैं। वर्तमान में ये चित्र कहाँ है प्रति, ठीक है, वर्तमान में ये चित्र प्रति कहाँ पर है, क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट क्लीवलैंड में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ के चित्र आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में यहाँ पर संग्रहित है, ठीक है, और इसी के कुछ पृष्ठ क्या है लखनऊ संग्रहालय में भी सुरक्षित है। समझ में आया, तीन चीज आपको याद रखनी है, एक तो क्लीवलैंड याद रखना है, इसके अलावा डबलिन वाला यानी कि चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन वाला, और इसके अलावा लखनऊ संग्रहालय। तो इन जगह पर यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर चित्र आपको मिल जाते हैं, किसके तूतीनामा के मिल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए तूतीनामा में आपको इतनी ही चीजें पढ़नी थी, अब हम लोग देखेंगे दीवाने हाफिज, यानी कि मेन आपका क्या था हमजानामा ही था। अब हम लोग देखेंगे दीवाने हाफिज, दीवाने जो हाफिज जो ग्रंथ है जिसका चित्रण किसके टाइम में हुआ, अकबर के टाइम में हुआ। ये कैसी पुस्तक है, ये शेर व शायरी वाली पुस्तक है, शेर व शायरी वाली ये पुस्तक है, ठीक है। इसका जो चित्रण हुआ था वो क्या है अकबर शैली में हुआ था, ठीक है। इसके जो चित्र है प्रारंभिक अकबर शैली में है, इसका भी चित्रण किसके टाइम में हुआ, अकबर के काल में हुआ। कहा जाता है ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, इसमें क्या है बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान मिलता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान मिलता है। एक बार होता क्या है, एक जो शहजादी होती है उसका क्या होता है हार क्या होता है चोरी हो जाता है, फिर वो क्या करती है अपनी आँख बंद करती है, आँख बंद करके पुस्तक में यानी ग्रंथ में आँख बंद करके इस ग्रंथ में अपनी उंगली जो है रखती है, ठीक है। उंगली कहाँ रखती है, एक शेर पे रखती है, ठीक है, एक शेर पे वो क्या है उंगली रखती है। वो शेर कौन सा था, चोर भी कैसा है क्षमा को उठाए हुए, ठीक है, सुनिए मेरी बात। शहजादी एक होती है, उसका हार चोरी हो जाता है, तो वो अपना हार ढूंढने की वजह से क्या करती है अपनी आंखें बंद करती है, और आंखें बंद करके क्या है ग्रंथ में एक जो शेर होता है उस पर उंगली रखती है, उस शेर का नाम, वो शेर कौन सा होता है, चोर भी कैसा है क्षमा को उठाए हुए। और उसी टाइम मतलब जब ये मतलब ढूंढा ढानी जो चल रही थी, ठीक है, तो उसी टाइम वो क्या करती है दासी से कहती भी है कि कैंडल लेकर के आओ। जाहिर सी बात है उस समय लाइट वाइट तो थी नहीं, जो लाइट वहाँ पर बल्ब ऑन कर लिया जाता है, बल्ब स्विच ऑन कर लिया जाता ऐसा तो था नहीं, तो कैंडल लेकर के मतलब दासी आती है, और वो शेर भी कैसा होता है चोर भी कैसा है क्षमा को उठाए हुए। तो क्षमा मतलब क्या होता है रोशनी, यानी कि रोशनी को कौन उठाए हुए थे, दासी उठाए हुए थी। तो इसी तरीके से दासी यहाँ पर पकड़ ली जाती है हार को लेकर के, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, समझ में आया। तो यहाँ पर इस तरीके के जो यानी कि बड़ी बड़ी मुश्किलों का निदान मिलता है किसमें, दीवाने हाफिज में, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे आ जाए, पूछा जाए कि दीवाने हाफिज में किस तरीके से चीज़ें मिलती हैं, तो आपको याद रखना शेर व शायरी की पुस्तक है, यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाता है ऐसा कहा जाता है। दासी वाली जो चोर भी कैसा है क्षमा को उठाई कहाँ पर मिल जाएगा, कहाँ पर किसका किसकी लाइन है, तो आपको याद रखना है दीवाने हाफिज की लाइन है, समझ में बात आई। इसके अलावा जो दीवाने हाफिज की एक प्रति यानी कि इसकी जो कई प्रतियाँ अलग अलग संग्रहालय में संग्रहित है, इसकी एक प्रति कहाँ पर संग्रहित है ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है, दूसरी क्या है आपकी चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डब्लिन में संग्रहित है, और तीसरी आपकी रामपुर के राजा के पोथी खाने में सुरक्षित है यानी कि संग्रहित है, ठीक है। तो एक तो आपकी कहाँ पर हो जाएगी लंदन में हो जाएगी, दूसरी आपकी कहाँ हो जाएगी डब्लिन में हो जाएगी, और तीसरी कहाँ हो जाएगी रामपुर के राजा पोती खाने में, ये क्या है संग्रहित है कौन सी दीवाने हाफिज। अब एक क्वेश्चन यानी कि एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मुगल काल में पहली, ठीक है, हस्ताक्षरित यानी कि हस्ताक्षर के साथ सिग्नेचर के साथ चित्रित पांडुलिपि कौन सी है, तो वो कौन सी है दीवाने हाफिज ही है, ठीक है। तो मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त चित्रित पांडुलिपि कौन सी है, तो दीवाने हाफिज ही है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हमजानामा को पढ़ा,
ठीक है, तूतीनामा को पढ़ा और दीवाने हाफिज को पढ़ा। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतने ही रखते हैं, तीन ही ग्रंथ को रखते हैं, कल जितने भी ग्रंथ बचे हैं तो आगे की क्लास में वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और चीज़ों को आप रिविज़न करते रहिए, चीज़ों को आप बार बार रिविज़न करते रहिए, उस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।